नेपाल की वो घटना जिससे पूरा देश हिल गया था। हम आज आपको नेपाल की एक ऐसी क्राइम की कहानी बताने वाले हैं जो 2009 में घटी थी और उसने नेपाल और भारत को दहला दिया था। ये पूरी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, साथ ही ये पूरी कहानी जानने के बाद आप अपनी जिंदगी में शामिल उस शख्स से एक पल के लिए शायद नफरत करने लगेंगे जो आपके बेहद करीब है। साथ ही इस कहानी को जानने के बाद आपको एक ऐसा सबक मिलेगा जिसे आप शायद पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आखिर ये पूरी घटना क्या थी, कब और कैसे घटी थी और इस पूरे मामले में आगे क्या हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। ये महज कहानी नहीं बल्कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सबक भी होगी, तो वीडियो छोड़कर कहीं भी ना जाएं और आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो घटना हमारे पड़ोसी देश नेपाल में घटी थी, मगर उसका संबंध भारत से भी था। इस घटना की शुरुआत एक सिंपल SMS से होती है। आपको भी आए दिन ऐसे मैसेज आते रहते होंगे कि आपने इतने करोड़ की लॉटरी जीती है या फिर आपको यहां घूमने जाने का टिकट मिला है। ऐसा ही एक सिंपल SMS 5 जून 2009 को नेपाल की रहने वाली ख्याति श्रेष्ठा नाम की एक 19 साल की लड़की को भी मिलता है। मैसेज में लिखा था कि आपने एक मशहूर वुमन मैगजीन की ओर से आयोजित लकी ड्रॉ में 20,000 रुपए नगद और नेपाल के सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस पोखरा की टिकट जीती है। इसके कुछ ही देर बाद ख्याति के मोबाइल की घंटी बजती है और जब वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है। फोन रिसीव करते ही वो महिला मैसेज में लिखी गई बात को दोहराती है और कहती है कि मैं उसी मैगजीन की ऑफिस से बात कर रही हूं। अगर आप जीती हुई इनाम की राशि और पोखरा की टिकट लेना चाहती हैं तो आपको इस एड्रेस पर आना होगा। आज अगर किसी को ऐसे मैसेज या फोन आते हैं तो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये ठगी के लिए हो सकता है, लेकिन ये वो समय था जब लोगों को ऑनलाइन होने वाली ठगी का इतना अंदाजा नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के मैसेज फेक या ठगी के लिए हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही ख्याति श्रेष्ठा को ये मैसेज मिलता है और फोन आता है तो वो काफी खुश हो जाती है और इस मैसेज के बारे में वो अपने माता पिता को भी बताती है। जब ख्याति के माता पिता ये बात सुनते हैं तो वो भी काफी खुश होते हैं और तय करते हैं कि ख्याति इनाम की राशि और पोखरा की टिकट जरूर लेने जाएगी। इसके बाद ख्याति श्रेष्ठा वहां जाने की तैयारी में लग जाती है और तय समय पर अपने घर के नौकर राम को लेकर निकल जाती है। कुछ घंटे के सफर के बाद ये दोनों फोन पर महिला द्वारा दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। नौकर राम ख्याति को वहीं पर ड्रॉप कर देता है और चला जाता है, क्योंकि फोन पर यह बात भी बता दी गई थी कि इन सब प्रक्रिया में काफी समय लग जाएगा, इसलिए ख्याति अपने घरेलू नौकर को वापस घर भेज देती है। बताए गए एड्रेस पर पहुंचने के बाद ख्याति कुछ देर इंतजार करती है, तभी एक महिला वहां आती है जो खुद को वुमन मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव बताती है और एक बार फिर से ख्याति को इनाम जीतने की बधाई देती है, साथ ही इनाम की राशि और टिकट लेने के लिए साथ में चलने को कहती है। इसके बाद वो महिला ख्याति को लेकर एक अपार्टमेंट में चली जाती है, जहां कमरे के अंदर जाते ही ख्याति की नजर एक पुरुष पर पड़ती है। वो व्यक्ति खुद को उसी मैगजीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताता है और कहता है कि इनाम की राशि और टिकट से संबंधित जरूरी कागजी कार्यवाही वही करेगा। यहां दोनों कुछ देर बातें करते हैं। बातचीत के दौरान ही वो व्यक्ति ख्याति की तरफ कोल्ड ड्रिंक्स का एक ग्लास बढ़ाता है और एक ग्लास खुद भी ले लेता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। इधर इन सब प्रक्रियाओं को होते हुए शाम हो जाती है और घर पर ख्याति के माता पिता इस इंतजार में रहते हैं कि उनकी बेटी अब इनाम की राशि लेकर लौटेगी। चूंकि ख्याति ने पहले ही बता दिया था कि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में कुछ अधिक समय लग सकता है, इसलिए ये लोग ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, फिर भी दिल में कुछ घबराहट जरूर थी। शाम के बाद अब अंधेरा कुछ ज्यादा फैल चुका था, लेकिन ख्याति अब तक घर नहीं लौटी थी, इसलिए ख्याति के माता पिता कुछ चिंतित हो जाते हैं और ख्याति के कुछ दोस्तों को फोन करके पूछने लगते हैं कि क्या ख्याति तुम्हारे पास आई है, लेकिन हर तरफ से यही कहा जाता है कि नहीं, ख्याति उनके पास नहीं आई है। अभी ये लोग अपनी बेटी की तलाश में लगे हुए थे कि तभी उसी शाम ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक SMS आता है। मैसेज पढ़ते ही ख्याति के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल मैसेज में लिखा हुआ था कि ख्याति को किडनैप कर लिया गया है, अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत जिंदा वापस पाना चाहते हो तो तुरंत 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। मैसेज में यह भी साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर तुमने इस बात की जानकारी पुलिस को या किसी और को दी
तो ख्याति को जान से मार दूंगा। ये मैसेज देखते ही वो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और तुरंत ख्याति की मां को इस बारे में बताते हैं। ये दोनों पहले तय करते हैं कि वो इस किडनैपिंग की जानकारी पुलिस को देंगे, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देते हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनके आसपास इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी थीं जहां किडनैपर ने सिर्फ इसलिए बच्चे को मार दिया था क्योंकि उन्होंने किडनैपिंग की जानकारी पुलिस को दे दी थी। ख्याति के किडनैपर ने भी साफ साफ अपने मैसेज में लिख दिया था कि अगर पुलिस को इस बारे में बताया तो ख्याति श्रेष्ठा को जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए ख्याति के माता पिता पुलिस के पास जाने के विचार बदल देते हैं और 10 लाख रुपए के इंतजाम में लग जाते हैं। किडनैपर ने उन्हें मैसेज में सिर्फ ख्याति की किडनैपिंग और अपनी डिमांड के बारे में बताया था, ये नहीं बताया था कि पैसे लेकर कहां आना है। इसलिए ख्याति के माता पिता पैसे का तो इंतजाम कर लेते हैं, मगर उन्हें अब तक नहीं पता था कि जाना कहां है। वो सभी इंतजार करते रहते हैं कि अब मैसेज आएगा कि तब मैसेज आएगा, मगर देर रात तक उन्हें कोई मैसेज नहीं मिलता है। कई बार ये लोग उस नंबर पर फोन भी करने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं हो पाते हैं। इन सब में रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। ख्याति के माता पिता अभी इंतजार में बैठे हुए थे कि आगे क्या करना है, तभी अगली सुबह एक बार फिर से मोबाइल की घंटी बजती है और जब वो लोग मैसेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये मैसेज उसी किडनैपर ने भेजा था। इस बार मैसेज में लिखा हुआ था कि 10 लाख लेकर तुम बुटवाल पहुंच जाओ। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बुटवाल नेपाल में ही एक जगह है जो काठमांडू से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। मैसेज मिलते ही ये सभी तुरंत पैसे लेकर बुटवाल के लिए निकल जाते हैं। ये बुटवाल पहुंचकर किडनैपर को मैसेज करते हैं कि वो पैसे लेकर आ चुके हैं, बताओ पैसे लेकर कहां आना है। इस पर किडनैपर उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है और फिर थोड़ी देर बाद मैसेज करता है कि पैसे बुटवाल नहीं बल्कि चितवन लेकर आओ। बुटवाल से चितवन की दूरी लगभग 160 किलोमीटर थी। ख्याति के माता पिता बिना कोई ब्रेक लिए कई घंटे का सफर तय करने के बाद चितवन पहुंचते हैं। पहुंचते ही किडनैपर को इस बात की जानकारी देते हैं कि वो यहां आ गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद किडनैपर एक बार फिर से उन्हें मैसेज करता है कि वो पैसे यहां नहीं बल्कि सुनौली पहुंचाना है। चितवन से अब सुनौली की दूरी लगभग 155 किलोमीटर थी। ये लोग अब पैसे लेकर घंटों का सफर तय करने के बाद सुनौली पहुंचते हैं, मगर यहां पहुंचते ही एक बार फिर से उन्हें मैसेज मिलता है कि ये पैसे लेकर तुम दार्जिलिंग पहुंचो। मतलब अब उन्हें पैसे लेकर नेपाल की बजाय भारत आने को कहा गया था। सुनौली से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 650 किलोमीटर थी। ख्याति के माता पिता के अलावा उनके साथ उनका घरेलू नौकर राम भी था। ये तीनों पहले ही कई 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे और बुरी तरीके से थक भी चुके थे, मगर बेटी के ख्याल ने इन्हें जगाए रखा था और पूरी हिम्मत से ये सभी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। ये सभी दार्जिलिंग भी आने को तैयार हो जाते हैं, मगर 10 लाख रुपए के साथ बॉर्डर पार करना, और वो भी भारत नेपाल के बॉर्डर को पार करना आसान नहीं था। फिर भी पूरी हिम्मत करके ये सभी किसी तरह भारत नेपाल की सीमा को पार करते हुए दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। जब वो इस बात की जानकारी किडनैपर को देते हैं कि वो पैसे लेकर दार्जिलिंग पहुंच गए हैं, तो एक बार फिर से किडनैपर उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है। वो सोच रहे थे कि शायद उनकी भाग दौड़ यहीं खत्म होने वाली है और वो पैसे देने के बाद अपनी बेटी को लेकर सही सलामत चले जाएंगे, मगर उनका अंदाजा गलत होता है और थोड़ी देर बाद फिर से मोबाइल की घंटी बजती है और इस बार मैसेज में लिखा होता है कि पैसे लेकर काकर भिट्टा आओ। काकर भिट्टा मतलब उन्हें वापस फिर से नेपाल आने के लिए कहा गया था। एक तो बेटी की किडनैपिंग का गम, उस पर से किडनैपर का ये गंदा खेल। एक जगह से दूसरी जगह भागते भागते इन लोगों का बदन पूरी तरह से टूट चुका था और थकान के मारे हालत खराब हो चली थी, लेकिन इनके सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। वो बेटी को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। अब वो दार्जिलिंग से काकर भिट्टा के सफर पर निकल पड़ते हैं। इस बार उनका ये सफर लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। कई घंटे का सफर तय करने के बाद आखिरकार ये लोग वापस नेपाल के काकर भिट्टा पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचने के बाद एक बार फिर से ये लोग किडनैपर को इस बात की जानकारी देते हैं और हमेशा की तरह किडनैपर फिर से इन्हें इंतजार करने के लिए कहता है। ये लोग एक बार फिर से डरने लगते हैं कि शायद किडनैपर फिर से किसी और लोकेशन पर जाने के लिए कह सकता है, मगर इस बार जो उन्हें मैसेज मिलता है उसमें काकर भिट्टा शहर के ही एक होटल का एड्रेस था। ये जगह वहां से ज्यादा दूर नहीं थी।
मैसेज में लिखा हुआ था कि पैसे लेकर फलाने होटल पहुंचो, वहीं तुम्हें ये पैसा किसी को देना है। इसलिए ख्याति के माता पिता पैसे लेकर उस होटल के करीब पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये सभी होटल के करीब पहुंचते हैं, इस बात की जानकारी वो किडनैपर को देते हैं। इस पर किडनैपर की ओर से थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है कि पैसे का बैग लेकर होटल के अंदर सिर्फ अपने नौकर राम को भेजो और तुम लोग होटल के बाहर गाड़ी में ही बैठे रहो। जैसा कि मैसेज में करने के लिए कहा गया था, ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता वैसा ही करते हैं और वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, जबकि पैसों से भरा बैग वो अपने नौकर राम को देते हैं और राम उस बैग को लेकर होटल के अंदर बताए गए कमरे में चला जाता है। इधर होटल के बाहर मौजूद ख्याति के माता पिता उम्मीद कर रहे थे कि राम उन लोगों को पैसा देगा और साथ में उनकी बेटी को लेकर होटल से निकलेगा, मगर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि राम खाली हाथ और अकेले ही वापस लौट रहा है। किडनैपर को फिरौती की 10 लाख रुपए रकम देने के बाद बेटी की रिहाई की उम्मीद के साथ ख्याति के माता पिता काकरभिट्टा से अपने घर काठमांडू के लिए निकल जाते हैं। काकरभिट्टा से काठमांडू की दूरी लगभग 450 किलोमीटर थी। ये लोग बिना रुके तेजी से अपने घर की तरफ चलते हैं कि शायद जाते ही वहां उनकी बेटी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन जब ये काठमांडू अपने घर पहुंचते हैं तो इन्हें काफी निराशा होती है, क्योंकि उनके घर पर ताला लगा हुआ था और आसपास भी ख्याति का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद ये लोग कुछ देर इंतजार करते हैं कि शायद कुछ देर में ख्याति आ जाएगी, लेकिन उनका इंतजार था कि लंबा ही होता जा रहा था। थक हार कर एक बार फिर से ख्याति के पिता किडनैपर को मैसेज करते हैं, लेकिन उनके मैसेज का कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो किडनैपर के नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन किडनैपर का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। मोबाइल स्विच ऑफ होते ही इन लोगों की धड़कनें काफी बढ़ जाती हैं और अनहोनी की आशंकाओं में ये सब डूब जाते हैं। वो रुक रुक कर किडनैपर का नंबर ट्राई करते हैं, मगर नंबर हमेशा स्विच ऑफ ही बताता है। नंबर स्विच ऑफ बताने के बावजूद ये लोग पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे कि कहीं किडनैपर को इस बात का पता चला तो वो शायद ख्याति को मार देगा। फिर भी जब कई घंटों के इंतजार के बाद फोन नहीं लगता है और ना ही ख्याति वापस आती है, तो ख्याति के माता पिता नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को ख्याति को मिले SMS से लेकर किडनैपिंग और किडनैपर की डिमांड के हिसाब से फिरौती की रकम देने तक की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बताते हैं। पूरी कहानी जानने के बाद पुलिस वाले पूछताछ की शुरुआत ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता से ही करते हैं और ख्याति से जुड़ी कुछ बातें पूछते हैं। ख्याति के माता पिता ख्याति से जुड़ी छोटी छोटी चीजें पुलिस वालों को बताते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि ख्याति उनकी इकलौती औलाद है। बचपन से ही ख्याति पढ़ने में बहुत तेज थी और जिंदगी में वो कुछ हासिल करना चाहती थी। हम लोगों ने उसके लिए बहुत सारे सपने देखे हुए थे। पूछताछ के दौरान पुलिस ख्याति के माता पिता से पूछते हैं कि ख्याति को मैसेज आने के बाद से किडनैपिंग के पैसे देने तक क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस किया है जो आपको थोड़ा अजीब लगा हो। इस पर ख्याति के पिता बताते हैं कि नहीं, उन्होंने एक भी अजीब बात नोटिस नहीं की, बस उन्हें एक बात समझ नहीं आई कि आखिर किडनैपर पैसे लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्यों कह रहा था। जब यही सवाल ख्याति की माँ से पुलिस वाले पूछते हैं तो ख्याति की माँ भी यही जवाब देती हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उसे भी कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद ख्याति की माँ बताती है कि जब वो लोग दार्जिलिंग से वापस नेपाल के काकरभिट्टा आए थे और किडनैपर के बताए होटल के नजदीक गए थे, तो वहां पर अचानक मेरी नजर बीरेन श्रेष्ठा नाम के व्यक्ति पर पड़ी थी। इस पर पुलिस पूछती है कि इसमें अजीब क्या है, तो ख्याति की मां ने बताया कि कभी वो लोग वीरेन के घर में ही बतौर किरायेदार रहते थे और बीरेन एक टीचर भी था जो कभी ख्याति को प्राइवेट ट्यूशन भी दिया करता था। फिर अचानक से उसने अपना घर बेच दिया और शहर छोड़कर चला गया। तब से हम लोग बीच में बस एक बार मिले थे। इस पर पुलिस वाले पूछते हैं कि जब आपने वीरेन को देखा तो उसे टोका क्यों नहीं। इस पर ख्याति की मां कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि ख्याति की किडनैपिंग की खबर किसी भी अन्य व्यक्ति को हो, क्योंकि इससे ख्याति की जान को खतरा हो सकता था। ये सब जानकारी लेने के बाद पुलिस आगे अपनी जांच बढ़ाती है, लेकिन शुरुआती कई दिनों की जांच में पुलिस को ना तो ख्याति श्रेष्ठा का ही कोई सुराग मिलता है और ना ही किडनैपर के बारे में कोई जानकारी हाथ लगती है। जब पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस अंत में इस पूरे मामले में सामने आए एक नाम की कुंडली निकालने में लग जाती है। ये वही नाम था जो ख्याति की मां ने बताया था, वीरेन श्रेष्ठा।
पुलिस जब वीरेन श्रेष्ठा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है तो पता चलता है कि वीरेन का जन्म 1967 के आसपास भारत के दार्जिलिंग में हुआ था। इसका असल नाम वीरेन प्रधान है। जब इसकी उम्र यही कोई 20-22 साल थी तो वो पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में नेपाल आया था। वैसे तो भारत में भी इसका परिवार संपन्न था और किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। इसी चक्कर में वो नेपाल आ गया था। नेपाल आने के बाद वीरेन एक कॉलेज में साइंस टीचर बन जाता है। चूंकि शुरुआत में वीरेन को रहने के लिए मनपसंद जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए ये नेपाल में एक अपना बड़ा सा घर ही खरीद लेता है। चूंकि वीरेन का नेपाल वाला नया घर काफी बड़ा था, इसलिए कुछ समय तक वो इस घर में अकेले रहता है। लेकिन कुछ समय बाद वो इस घर के दो कमरों को किराए पर देने का फैसला करता है। इसी के बाद ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता वीरेन के यहाँ किराए पर रहने लगते हैं। कुछ साल तक ख्याति अपने माता पिता के साथ इसी घर में रहती हैं। वीरेन ख्याति के माता पिता के अनुरोध पर ख्याति को घर पर ट्यूशन भी पढ़ाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन वीरेन अपना घर बेच देता है। इस कारण आनन फानन में ख्याति अपने माता पिता के साथ इस घर को छोड़कर विराटनगर रहने चली जाती है। जबकि अपना घर बेचने के बाद वीरेन श्रेष्ठा कहाँ जाता है, ख्याति के परिवार वालों को नहीं पता चलता है। इस समय ख्याति 10वीं क्लास में थी। उसने 10वीं में काफी अच्छे मार्क्स हासिल किए थे, इसलिए ख्याति के माता पिता उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए विराटनगर से नेपाल की राजधानी काठमांडू चले जाते हैं और ख्याति का एडमिशन जुबिलेंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा देते हैं। अब ख्याति अपने परिवार के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाती है, जबकि वीरेन घर बेचने और नौकरी छोड़ने के बाद कहां जाता है किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब इस केस में ख्याति की मां वीरेन का नाम लेती है तो पुलिस अब वीरेन की कुंडली निकालने के बाद शिद्दत से वीरेन की तलाश में लग जाती है। जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि वीरेन काठमांडू में ही एक किराए के घर में रहता है। जब पुलिस उस घर पर दबिश देती है तो पता चलता है कि वीरेन वहां से लापता हो चुका है। पुलिस वीरेन को ढूंढने के लिए कई टीम बना देती है, लेकिन वीरेन का कोई अता पता नहीं चलता है। इसी बीच पुलिस को काठमांडू के शहरी इलाकों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में मानव शरीर के अंग मिलने की खबर मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसे एक जगह हाथ के 3 टुकड़े मिलते हैं। कुछ दिनों बाद उस जगह से दूर पैर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। इस तरह अगले कई दिनों तक लगभग 17 किलोमीटर के रेडियस में मानव शरीर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते रहते हैं। उन अंगों को देखकर लग रहा था कि किसी ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और उन्हें एक जगह ना फेंक कर लगभग 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में अलग अलग ले जाकर फेंका है। इन सब के बीच ख्याति श्रेष्ठा को गायब हुए 15 दिन से अधिक बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के पास अब भी ख्याति का कोई सुराग नहीं था और ना ही पुलिस को वीरेन श्रेष्ठा के बारे में कोई जानकारी हाथ लगी थी। इधर बीते कुछ दिनों में जो लाश के टुकड़े मिले थे उसका सर अब तक नहीं मिल पाया था, इसलिए पहचान भी नहीं हो पा रही थी कि ये लाश किसकी है। लेकिन 15 दिनों के बाद पुलिस को एक कटा हुआ सर भी मिल जाता है। पुलिस अलग अलग जगह पर मिले गए सभी टुकड़ों और सर को एक साथ जोड़ती है, फिर भी पता नहीं चल पाता है कि ये लाश किसकी है, क्योंकि खोपड़ी की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और पहचानना लगभग असंभव था। इस तरह अब तक ये साफ नहीं था कि ख्याति श्रेष्ठा मर चुकी है या वो जिंदा भी है, और किडनैपर और उसके पुराने साइंस टीचर वीरेन श्रेष्ठा में कोई कनेक्शन है भी या नहीं, और जिस होटल में फिरौती की रकम ली गई उसी होटल के पास वीरेन का दिखना महज इत्तेफाक था या कोई साजिश। इन सवालों के जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाए थे। शायद एक वीरेन के मिलने से पुलिस को कई सवालों के जवाब मिल सकते थे, इसलिए पुलिस पहले से कई गुना ज्यादा फोर्स सिर्फ वीरेन श्रेष्ठा को खोजने में लगा देती है। पुलिस की कोशिश इस बार कामयाब होती है और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए काठमांडू के ही एक जगह से वीरेन प्रधान उर्फ वीरेन श्रेष्ठा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीरेन को गिरफ्तार करते ही पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। पुलिस जो भी सवाल करती थी वीरेन उसका सही और सटीक जवाब देता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वीरेन पूरी तैयारी के साथ ही पुलिस के पास आया है। इसी सवाल जवाब के बीच जब पुलिस वीरेन से पूछती है कि तुम उस दिन काकरभिट्टा में होटल के करीब क्या कर रहे थे, तो इस पर वो चौंक जाता है और इधर उधर की बातें बनाने लगता है, जबकि पूछताछ के दौरान उसने उस दिन कहीं और होने की बात पुलिस को पहले ही बताई थी। ऐसे में वो पुलिस के सवाल पर फंसने लगता है और अंत में साफ हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है।
अब पुलिस सख्ती पर आ जाती है और कड़ाई के साथ वीरेन से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस की सख्ती के आगे वीरेन की हर चालाकी फेल हो जाती है और उसे सच बोलना ही पड़ता है। और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीरेन बताता है कि दार्जिलिंग में उसका संबंध एक ऐसे परिवार से है जो काफी पैसे वाला था और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो लगभग 20 साल पहले नेपाल अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आया था। यहां भी उसने एक कॉलेज में साइंस टीचर के तौर पर अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी और अच्छा पैसा भी कमाने लगा था। यहां उसने अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया था। वीरेन के बयान के अनुसार उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी कि इसी बीच वो मजे के लिए एक दिन एक कैसीनो में जुए खेलने गया। चूंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इस कारण उसका ये शौक धीरे धीरे उसकी आदत बनती चली गई और उस पर जुए का ऐसा जुनून सवार हुआ कि धीरे धीरे वो अपना सारा पैसा हारता चला गया। सभी जमा पूंजी हारने के बाद जुए की आदी हो चुका वीरेन दोस्तों और जान पहचान वालों से कर्ज लेना शुरू कर देता है और वो लाखों रुपए कर्ज से लिया पैसा भी जुए में हार जाता है। जब उसके पास कर्ज का लिया गया पैसा भी खत्म हो जाता है और लोग कर्ज देने से मना करने लगते हैं और कर्ज वापस मांगना शुरू कर देते हैं, तो इसी चक्कर में एक दिन अचानक वो अपना घर बेच देता है। लेकिन उस पर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि घर बेचकर भी कर्ज नहीं चुक पाता है। वीरेन की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और वो काठमांडू में ही एक किराए के घर में रह रहा था। उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। वो दार्जिलिंग में भी अपने घर वालों से काफी पैसे ले चुका था, इसलिए वहां से भी उसे मदद मिलनी बंद हो गई थी। वीरेन जुए की लत की वजह से कर्ज के दलदल में बुरी तरीके से फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी बीच उसे किसी से पता चलता है कि जिस ख्याति श्रेष्ठा का परिवार उसके यहां कभी बतौर किराएदार रहता था, वो लोग इसी काठमांडू शहर में उसके घर से कुछ ही दूरी पर रह रहे हैं। इसी के बाद 5 जून 2009 को वीरेन ख्याति के घर मिलने जाता है। वीरेन यहां इस उम्मीद में आया था कि वर्षों के बाद इन लोगों से उनकी मुलाकात भी हो जाएगी और शायद कुछ कर्ज भी मिल जाएगा। मगर यहां आकर जो बातें उसे पता चलती हैं, उसे सुनकर वीरेन कर्ज मांगने का प्लान बदलकर कुछ और मन बना लेता है। पुलिस पूछताछ के दौरान वीरेन बताता है कि जब 5 जून 2009 को वो ख्याति श्रेष्ठा के घर जाता है, तो पता चलता है कि ख्याति के माता पिता ने ख्याति के फ्यूचर को लेकर काफी बड़े बड़े प्लान बनाए हैं। दरअसल ख्याति के माता पिता वीरेन को बताते हैं कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जल्द विदेश भेजने वाले हैं। इस पर वीरेन कहता है कि विदेशों में पढ़ाने के लिए तो काफी पैसा खर्च होगा। इस पर ख्याति के पिता वीरेन को बताते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ख्याति को विदेश भेजने के लिए उन्होंने अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी भी बेच दी है और अपनी कमाई से भी कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। ख्याति के माता पिता ने यह सब बात वीरेन को इसलिए बताई थी कि वीरेन उनकी बेटी ख्याति का पुराना शिक्षक भी था और इनसे आपसी रिश्ते भी अच्छे थे। मगर उन्हें कहां पता था कि जिसे वो अपना हमदर्द समझ रहे हैं, वही उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने वाला था। जब वीरेन को ख्याति के पिता की पूरी प्लानिंग पता चलती है, तो उसे एक बात समझ आ जाती है कि इन्होंने काफी पैसा जमा कर रखा है, इसलिए वो कर्ज मांगने का प्लान बदलकर दूसरे तरीके से उनसे पैसा निकालने के लिए प्लान बनाने में लग जाता है। और इसी बीच उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और ये आइडिया था ख्याति श्रेष्ठा की किडनैपिंग का। वीरेन यहां से सीधे अपने घर जाता है और पूरी प्लानिंग बनाने के बाद मोबाइल से ख्याति के मोबाइल पर वही वुमन मैगजीन की ओर से आयोजित लकी ड्रॉ में 20,000 रुपए नकद और पोखरा की एक टिकट जीतने की बात मैसेज कर देता है। इसके बाद वीरेन मरीना शाक्या नाम की अपनी एक पुरानी स्टूडेंट को फोन करता है और उससे कहता है कि इस नंबर पर फोन करके SMS वाली बात दोहराओ। यानी मैसेज के बाद ख्याति को फोन करने वाली लड़की मरीना शाक्या थी। इसके बाद साजिश के तहत वीरेन ख्याति को एक अपार्टमेंट में बुलाता है। यहां भी सबसे पहले ख्याति की मुलाकात मरीना शाक्या से ही होती है। जब मरीना ख्याति को लेकर अंदर आती है, तो फ्लैट के अंदर कमरे में मौजूद शख्स वीरेन ही होता है। यहां इसे देखकर ख्याति चौंक जाती है। वीरेन भी ख्याति को देखकर अनजान बनते हुए चौंकने का नाटक करता है। वो ख्याति को बताता है कि उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी है और वो उसी वुमेन मैगजीन के लिए काम कर रहा है। इस बातचीत के दौरान वीरेन ख्याति को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है। ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीने से मना भी नहीं करती है, क्योंकि सुबह ही वीरेन से उसकी मुलाकात उसके घर पर हुई थी
और उसका व्यवहार काफी अच्छा था, और यहां भी वो काफी अच्छे से ही बिहेव कर रहा था, इसलिए उसे कोई शक नहीं होता है और वो कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। लेकिन जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पीती है वो बेहोश हो जाती है। ख्याति के बेहोश होने के बाद वीरेन ही ख्याति के पिता को किडनैपिंग वाला मैसेज करता है, और वही ख्याति के माता पिता को पैसे एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने को मजबूर करता रहता है। जब पुलिस वीरेन से पूछती है कि तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो अब तक ख्याति घर वापस क्यों नहीं आई है, इस पर वो बताता है कि आप जो पिछले 15 दिनों से मानव शरीर के अंग अलग अलग हिस्सों से जमा कर रहे हैं वो किसी और के नहीं बल्कि ख्याति के ही हैं, और वो किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही फेंके हैं। वीरेन बताता है कि जैसे ही ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हुई थी उसी के 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसकी हत्या कर दी थी, और अगले 4 दिन के अंदर उसके शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंकना शुरू कर दिया था। अलग अलग फेंकने का मकसद ये था कि पुलिस कभी भी शव की पहचान न कर पाए। वीरेन के इस खुलासे के बाद हर कोई शॉक्ड रह जाता है। मीडिया में जैसे ही ये खबर आती है पूरे नेपाल में विरोध की आंधी चलने लगती है। खासकर पूरे नेपाल के स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आते हैं और वीरेन श्रेष्ठा को बिना किसी ट्रायल के फांसी देने की मांग करने लगते हैं। इन सबके बीच केस की सुनवाई होती है और 1 साल के अंदर अंदर पूरी सुनवाई कंप्लीट कर ली जाती है। आखिरकार 2010 में काठमांडू की एक अदालत वीरेन श्रेष्ठा को ख्याति की हत्या और किडनैपिंग का दोषी पाते हुए 39 साल जेल की सजा सुनाती है, जबकि वीरेन के कहने पर ख्याति को फोन करने वाली और ख्याति से वुमेन मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मिलने वाली मरीन शाक्या को ख्याति के अपहरण में शामिल होने का दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाती है। कहा जाता है कि इस एक घटना ने नेपाल में लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया, और जो लोग एक शिक्षक पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे वो उसी शिक्षक को शक की निगाह से देखने लगे। कहा जाता है कि वहां शायद ही अब कोई माता पिता अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में किसी को बताते हैं। शायद ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता भी उसी अफसोस के साथ जी रहे होंगे कि अगर उन्होंने ख्याति के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में वीरेन को नहीं बताया होता तो शायद आज ख्याति जिंदा होती। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अदालत के फैसले पर आपकी क्या राय है? इस पूरी कहानी से आपको क्या सबक मिलता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी जागरूक हो सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।